यहाँ मौजूद हूँ कैंची धाम स्थित नीम करौरी बाबा जी के आश्रम। जी हाँ दोस्तों, नीम करौरी बाबा जी के भक्त जो हैं वो ना सिर्फ भारतवर्ष में बल्कि विश्व भर में मौजूद हैं। अगर आप इनके भक्तों के नाम सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। नीम करौरी बाबा जी के भक्तों में नाम है एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स का। जी हाँ दोस्तों, स्टीव जॉब्स खुद यहाँ आ चुके हैं। हॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स भी बाबा जी की भक्त हैं। उसके साथ साथ अगर बात करें तो फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग भी बाबा जी के बहुत बड़े भक्त हैं। इसके अलावा विश्व भर में बाबा जी को लोग मानते हैं और बाबा जी के ऐसे ऐसे किस्से जो हमने सुने हैं जिनको सुन के आप हैरान हो जाएंगे। कहा जाता है एक बार बाबा जी ट्रेन से कहीं सफ़र करना चाहते थे और क्योंकि उनके पास टिकट नहीं थी इसलिए टीटी ने उन्हें ट्रेन से उतार दिया। आप यकीन मानेंगे उस ट्रेन का डब्बा अभी भी यहाँ भीमताल में मौजूद है क्योंकि बाबा जी को उतारने के बाद वो ट्रेन चली ही नहीं। फिर लोगों ने उन्हें बताया कि बहुत महान संत हैं, आप इन्हें श्रद्धापूर्वक ट्रेन में बिठाइए तभी ट्रेन चलेगी। उसके बाद जब वो ट्रेन में आके बैठे तभी ट्रेन चली। उसके अलावा भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स, बहुत सारे चमत्कार, लोग बहुत सारे अद्भुत करिश्मे बाबा जी के एक्सपीरियंस करते रहते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे कितनी भीड़ है, लगातार बाबा के भक्त यहाँ बाबा के दर्शनों के लिए आ रहे हैं। और बात करें एक और दिलचस्प किस्से की तो एक बार LSD जो सबसे बड़ा नशा माना जाता है, एक गोली LSD की सर घुमा देती है और कहां से कहां पहुंचा देती है। एक किसी वैज्ञानिक ने बाबा जी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, उन्हें LSD की हाईएस्ट डोज दी गई लेकिन आप यकीन मानेंगे बाबा जी पे LSD का कोई असर नहीं हुआ। बाबा जी जैसे पहले थे बिल्कुल वैसे ही LSD लेने के बाद भी रहे। और भी बहुत सारे ऐसे चमत्कार हैं जो बाबा जी के नीम करौरी बाबा जी के प्रसिद्ध हैं यहाँ पे। तो आप भी जब भी नैनीताल आए तो यहाँ कैंची धाम आश्रम जरूर आइएगा ताकि आप भी बाबा जी के आशीर्वाद से उत्प्रोत हो जाएं और बाबा जी की कृपा आप पे भी बरस जाए। तो इसी के साथ साथ दीजिए मुझे इजाजत, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अलंकृता मांडवी को भी देखते रहिए मेरी आगे की वीडियोस में। स्टे हेल्दी एंड हैप्पी, गुड बाय, नमस्कार। इनखबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।